This is Chandan Gautam and we will continue our chapter Force and Motion, in which today we will talk about motion and its types. Right student, if you remember in the previous lecture we have discussed about an idea of motion. आज हम फिर से उसी को रिपीट करते हैं कि मोशन होता क्या है, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पहली चीज मोशन की बात करो, मोशन नाम से ही क्या बता रहा है? मूवमेंट. मोशन नाम से ही क्या बता रहा है? मूवमेंट. मतलब या मैं बात करूं रनिंग कंडीशन, किसकी बात करूं? रनिंग कंडीशन. मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रनिंग कंडीशन में हो और उसकी वजह से फोर्स अप्लाइड हो उसके ऊपर, रनिंग कंडीशन क्या है, अंदर आए और उसकी क्या हो, स्टेट जो है रेस्ट से, मोशन के अंदर रेस्ट से रनिंग कंडीशन में आ जाए और टाइम के साथ साथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन क्या होती रहे, चेंज होती रहे. एक ए पॉइंट है जहां पे कोई एक्स पर्सन है जो पहले यहां पे खड़ा था और फिर चलना स्टार्ट किया, ए से बी पे पहुंचा टी वन टाइम के अंदर, बी से सी पॉइंट में पहुंचा टी टू टाइम के अंदर, ये सारे क्या टाइम इंटरवल से, ठीक है? सी से डी पे पहुंचा टी थ्री टाइम इंटरवल के अंदर और डी से ई पे पहुंच गया टी फोर टाइम इंटरवल. से पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन कम्स इन टू द रनिंग कंडीशन फ्रॉम इट्स रेस्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोशन. बात समझ आई स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं इसकी मोशन के टाइप, ठीक है? देखो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, सिंपल सिंपल हम हमारे मुद्दे की बात करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है? तो मोशन था, मोशन का मतलब समझ आया, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, ठीक है? अब अगर मैं मोशन के टाइप्स की बात करूं तो मोशन के पास मेजरली दो ही टाइप होंगे. उसमें फर्स्ट होगा यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होगा हमारे पास कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अब यूनिफॉर्म से अपन बात करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं सारे के सारे, तो सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, सेम ही ड्रेस कोड के अंदर होते हैं, ठीक है? तो सेम इसकी बात करेंगे तो मोशन का ऐसा टाइप, आई रिपीट, मोशन का ऐसा टाइप जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर. फॉर एन एग्जांपल वही हम बात करते हैं, ये ए था, यहां पे एक्स कोई पर्सन था, ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस अपन ने मानी है वो लेट सपोज है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसको यहां तक पहुंचने में लगे लेट सपोज 2 सेकंड्स, ठीक है? देखो मैंने एस नहीं लिखा, तो एस लिखता या पूरा सेकंड लिखा है, ठीक है? एस इसी नहीं लिखना, ठीक है? फिर वो क्या किया उसने, बी से सी पॉइंट तक गया और अगेन उसने डिस्टेंस कवर करी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और अगेन टाइम जो उसे लगा कितना लगा, 2 सेकंड. फिर से वो सी से डी पे पहुंच गया, अगेन उसने डिस्टेंस कवर करी 10 सेंटीमीटर और टाइम उसके लिए फिर से था 2 सेकंड. तो एक बार देखो यहां पे ऑब्जर्व करो, ए से बी पे गया 10 सेंटीमीटर चला था 2 सेकंड्स के अंदर, बी से सी पे गया था 10 सेंटीमीटर चला फिर से 2 सेकंड्स के अंदर और सी से डी के ऊपर चला, सी से डी पॉइंट के ऊपर चला वो भी 10 सेंटीमीटर 2 सेकंड्स के अंदर. तो यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है हर बार इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर. मतलब मोशन का ऐसा टाइप जिसमें हम इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करें, तो ऐसा मोशन का टाइप कैसा हो जाएगा अपने पास में, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, ठीक है? अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का था कि सर डेफिनेशन अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखें, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. बात समझ आई, ठीक है? अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं, कर्व ड्रॉ करूं, तो कर्व किस तरीके से बनेगा, यहां पे देखिएगा, ठीक है? कर्व बनेगा किस किस पे, डिस्टेंस और टाइम के अंदर बन रहा है. तो मैंने बात करी एक्स एक्सिस पे, मैंने रख दी क्या
टाइम इंटरवल, टाइम को रख दिया मैंने और वाई एक्सिस को मैंने रख दिया डिस्टेंस। ठीक है, देखो अब कर्व ड्रॉ करते हैं। टू सेंटीमीटर, टू सेकेंड, फोर, सिक्स, एट और टेन, यहां पे मैं बात करता हूँ किसकी, इसी की डिस्टेंस की। अपन ने एग्जाम्पल लिया था 10, 20, 30, 40। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो 10 सेंटीमीटर चला था 2 सेकंड। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक्स को मोबाइल करते हैं, एक्स हो गया 2, 10। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड के अंदर कितना चला था अगला टाइम, मतलब ये टाइम का हो गया, ये 2 सेकंड का टाइम हो गया, ये पॉइंट मिल गया 4, 20 का। फिर से हम बात करें अगला 10 सेंटीमीटर चला किसके अंदर, अगले 2 सेकंड के अंदर, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अगला फिर से चलेगा 2 सेकंड के अंदर, अगले 10 सेंटीमीटर चलेगा, तो ये कर इस तरीके से लग गया, ये पॉइंट मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाऊंगा तो क्या होगा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मुझे क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का जो कर्व होता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन है। उस कर्व का नेचर कैसा होता है, लीनियर कर्व होता है। कैसा होता है, लीनियर कर्व होता है। बात समझ आई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम सब करते हैं इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब अपोजिट होगा, बट टाइम इंटरवल और डिस्टेंस क्या थी, इक्वल थी हर बार। यहाँ पे क्या होगा, तीन कंडीशन होंगी, या तो टाइम क्या रहे, सेम रहे, और डिस्टेंस कैसी हो, डिफरेंट। टाइम सेम रहे, डिस्टेंस डिफरेंट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये ए पॉइंट है, ए से अपन चले बी के ऊपर, बी से चले सी के ऊपर, सी से चले डी के ऊपर। ठीक है, यहां पे 10 सेंटीमीटर चले 2 सेकंड के अंदर, टाइम सेम रखना, मतलब ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चले, फिर बी से सी के अंदर चले 20 सेंटीमीटर, और सी से डी के अंदर चले अपन 15 सेंटीमीटर। बात समझ आई। ठीक है, तो हर बार टाइम इंटरवल तो 2 सेकंड है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट हो गई। दैट मींस पहली कंडीशन क्या हुई, टाइम सेम बट डिस्टेंस क्या हो गई, डिफरेंट। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करूं, सेकंड वाली कंडीशन यहां पे लिखूंगा, यहां पे टाइम सेम था, मैंने क्या कर दिया, टी को मैंने कर दिया, टाइम को मैंने कर दिया डिफरेंट। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहा हूं, डिस्टेंस को मैंने कर दिया सेम कर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस हर बार सेम रहेगा, लेकिन टाइम चेंज होता रहेगा। कैसे, ए पॉइंट ए से बी की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। मेरे जैसा कोई आलसी आदमी था, शुरू शुरू में तो बड़े जोश में चला, और ये 2 सेकंड के अंदर ही 10 सेंटीमीटर कवर कर दिया। फिर आलस आने लग गया, तो बी से सी के वही 10 सेंटीमीटर चलता रहा। ठीक है, लेकिन इस बार लग गया, थक गया मैं, मेरे को लग गया 4 सेकंड। ठीक है, फिर सी से डी पे मुझे जाना है, वही डिस्टेंस वही अगेन 10 सेंटीमीटर सेम रखनी है, लेकिन इस बार मुझे लग गया 6 सेकंड, इतने लग गए 6 सेकंड। तो डिस्टेंस सेम है, टाइम इंटरवल हर बार चेंज हो, सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देखो जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ही चेंज कर दिया, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन ये हो गई सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, टाइम भी क्या है मेरा डिफरेंट है, और डिस्टेंस भी क्या है डिफरेंट। बात समझे, दोनों ही डिफरेंट, मतलब यहां देखना, ये ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर चला 2 सेकंड के अंदर, बी पे पहुंच गया, बी से सी पे 15 सेंटीमीटर चला, और ये लेट सपोज 4 सेकंड लग गया, सी से डी पे चला 20 सेंटीमीटर, और मुझे टाइम लग गया 6 सेकंड। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम नहीं है और टाइम भी सेम नहीं, मतलब दोनों ही डिफरेंट है। बात समझ आई। तो अगर इसके लिए मैं अगर कर्व ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कर्व देखो यहाँ बना रहा हूँ, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में कर्व ड्रॉ करूँ, तो ये हो गई मेरे पास में डिस्टेंस, ये हो गया मेरे पास में टाइम। तो
कर जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा जीरो टाइम हो गया, ये हमारे लिए हो गया टी वन टाइम इंटरवल हो गया, ये हो गया हमारा टी टू टाइम इंटरवल हो गया, और ये बात समझ आई ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म जो इमोशन होगा उसके लिए कर्व बन जाएगा। अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम एक मोशन की तीन इक्वेशन ड्राइव करेंगे ठीक है। उसके अंदर आप सभी को प्रेजेंट रहना है, मिस नहीं करना है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चैप्टर में से अगर कहीं पे क्वेश्चन बनता है बड़े मार्क्स का तो वो क्वेश्चन पूछा ही जाए ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।